आस्था और विश्वास प्रतीकर पीठ सकल विपदरू निज भक्त को घंट घोड़े रखती पीठर आराध्य बाबा बरुणेश्वर। आगे थिला इटा घर ठाकुर से हुकुम आसिक रोले जो मैंने पड़ी रोते हुकुम नहीं कि जाते से मानक रोग भी भल हुए से माने ए एरिया रे समस्ते विश्वास करती। हृदय रे भक्ति रखी बाबा को स्मरण कले मनोवांछा पूरण होइथाय बोली भक्त और श्रद्धालु मानकर विश्वास रहिछि। एठाकु आसी निजर दुख जणाइले केहि केबे खाली हातरे फेरे नाही बोली श्रद्धालु मानकर मत। बाबांक उपर तो बहुत आस्था भरोसा अच्छी। आम छुआ बेलू शुणीचु जे आम सांत बापा मैंने कहते कि एटी जदि क्या कुकुर कामुड़ा एटी आम नियरेस्ट जने अच्छा से थाली लगाती आउ एटी जदि आपणकर किसी गोटे ये हुए कौन कहे हलदिया काल हुए तार भी हुकुम दिया हुए। बहुत बाबा जो पादुकार महात्म आपण नहीं लगे चर्म जदि बेमारी है आपणकर किसी बीमारी है ये पादुका लगे आपणकर से चर्म रोग दूरे जाए एवं आपणकर जदि पेट रोग किसी थाए अन्याने बहुत किसी रोग बाबा भुवनेश्वर भरोसा एति अच्छी से रोगरू समस्ते मुक्ति होती ये डिस्ट्रिक्ट आउ आमर पाख नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी समस्ते कहबे बाबा भुवनेश्वर महात्म। जाजपुर जिला बिंझारपुर ब्लॉक अंतर्गत अरेई ग्राम रे रहिछि एही सुप्रसिद्ध बरुणेश्वर मंदिर। एही शैव मंदिर रे पाताली शिवलिंग जल भितर ही पूजा पाउथुबा देखिबाकु मिलिथाय। जन्म ये आम पिला आम सबुद मंदिर जहाँ विपद बेले आम तो डाकिचु आमको प्रभु साइंसें सबुद विश्वास अच्छे आसू आम दुखर आसिक डाकिले बाबा को पादुका टे पीले कि देहर टे मारिदे शरीर टे आरोग्य हुए आम से विश्वास हुए सबुद मंदिर को आस। किंवदंती अनुजाई आद्य कालरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मांक द्वारा बाबा बरुणेश्वर एठारे प्रतिष्ठित। राज्यर विभिन्न शैवपीठ मानक मध्यरे बाबा बरुणेश्वरंकर रहिछि विशेष महात्म्य। ଏ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁତ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେଉଥାଏ ଏଠି ଧାରଣା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବରୁଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୁକୁମ ଔଷଧ ମିଳେ ଏବଂ ସନ୍ତାନବତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାନସିକ ରଖି ଯେକୌଣସି କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଏଠାରୁ ହୁକୁମ ନେଇ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାଏ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା
ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନ୍ସର ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିଥିଲା ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ସେଦିନଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନରୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ବି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ସବୁଦିନ ହିଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବି 365 ଦିନରୁ 365 ଦିନ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଏଠାରେ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ମେଳାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିବାବେଳେ ମେଳା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଜାଗର ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଥାଏ।